हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अरुण और आपके सबने चैनल टेक का रिपेयरिंग पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं रिपेयर कर रहा था एक टीवी, उसमें ये जो इसका ऑन ऑफ का स्विच होता है जो आपके टीवी के सामने लगता है, उसका स्विच खराब हो गया था। तो यह स्विच इस समय हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको भी इसके बारे में बताया जाए कि जब आपके पास ये स्विच अवेलेबल ना हो तो आप क्या करें। पहली चीज़ आती है कि आप इस स्विच को हटा के डायरेक्ट कर दें, तो इससे क्या होगा कि आपका टीवी ऑन ऑफ नहीं होगा, मतलब कि आपको सिर्फ जहाँ पे आप पावर लगाते हैं सिर्फ वहीं से टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, टीवी से आप टीवी को बंद नहीं कर सकते। तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं इसी टीवी को, लेकिन रिपेयर करेंगे इस तरह हम कि आपकी टीवी से ही बंद हो जाएगी, टीवी के स्विच से बंद हो जाएगी। तो कैसे रिपेयर करेंगे तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा स्विच जिसको हम रिपेयर करने वाले हैं, वो भी बिना इसको चेंज किए। इसमें फॉल्ट क्या है कि इसमें कभी कभी ये पावर की सप्लाई, जो पावर सप्लाई है, पास कर देता है, लेकिन कभी कभी नहीं पास करता है। तो हमने इसको लगाया है सीरीज में, ये इसका वायर है। अब इसके आउटसाइड हमने ये अपनी चिमटी को लगा के रखा है ताकि ये सीरीज में हमको शॉर्टिंग को बताए। देखिए, ऑन किया इस समय ये बता के छोड़ दिया, मतलब बल्ब जला और छोड़ दिया। देखिए, ये कभी कभी काम कर रहा है और कभी कभी नहीं कर रहा है। इस समय ये काम कर रहा है लेकिन कभी कभी छोड़ दे रहा है। तो आज हम देखिए, इस समय ये बंद है, तो आज हम इसी को रिपेयर करेंगे। कैसे रिपेयर करेंगे आप देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो फ्रेंड्स, इसमें है क्या कि इसमें सिर्फ एक पॉइंट हमारा ख़राब है। जैसे ये मैंने जो वायर यहाँ से निकाला है, इसमें होता दो चैनल है, जैसे आपका एक लाइट का वायर ये रेड जो है न्यूट्रल, या एक वायर ये नीला फेस, कोई भी हो सकता है इसमें से। तो उस प्रकार इसमें से ये जो स्विच हमारी है न्यूट्रल और फेस दोनों को कट करती है। तो इसमें से हमारा जो ख़राब हुआ है सिर्फ एक वायर ये फेस जो लाल है, यही सिर्फ ख़राब हुआ है। तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। जैसे देखिए, इसको हम इसके इन पर जोड़ देते हैं। यह हमारा आप देखेंगे कि स्विच काम करेगा कि नहीं। देखिए यह सही हो गया है, वो भी बिना स्विच को चेंज किए। देखिए, यह अब कभी बंद नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप रिपेयर कर सकते हैं अपने टीवी को। आपने देखा है कितनी आसानी से, वो भी कितनी कम समय में हमने रिपेयर कर लिया इस स्विच को। आप अगर चेंज करेंगे तो आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार आप बिल्कुल मुफ्त में इस काम को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के नए वीडियो को, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ।